जैसे जहाँ पर रहता है सूबेदार साहब वहाँ पर कलर नहीं मिलता। जी मैं रेडी हूँ बिल्कुल। जय हिंद है सबको मेरी। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। क्लोज 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 क्लोज। तो ये है जी हमारी अब सातवीं लोकेशन जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं। बहुत ही कमाल का पीछे व्यू आ रहा है, देखो। रोल कैमरा एक्शन। तो ये पड़ा है शूटिंग का सामान। अरनाव वी गोइंग फॉर शूट। पीछे सुमेश की गाड़ी आ रही है। जो भी सत जे खाली फिर भी अपना शीन सा कोई नहीं परवाह कोई नहीं परवाह। इत फीस ली जो पैसे दित सेली ते उड़ा कोई नहीं परवाह कोई नहीं परवाह। हाय मम्मी जी पहाड़ आ गए। तो ये जी हम शूटिंग के लिए जहाँ जा रहे हैं ये थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट सा जगह है। ये नहीं बताऊंगा कहाँ पर है, पहले शूट खत्म करूंगा एंड में बताऊंगा खुद ही एक्सप्लोर कि कहाँ पर है। और सारा लोकेशन मैंने एक्सप्लोर करी है खुद ही। और दूर दूर तो देखोगे पहाड़ी है और दिल्ली से ज्यादा दूर भी नहीं है, वही तकरीबन 4.5 घंटे की ड्राइव है। और आप बहुत कमाल के लोकेशन पहुंच जाओगे। और सामने वो रहा आइटम वो रही आइटम इंग्लिश वाइन एंड बियर शॉप जहाँ पे मैंने बोला है पापा जी थे सानू ठेके से फड़े आते पै गए 70। गाइस बड़ो कूल लैनी दिल ते जिंदगी दा यार चल दी रहनी है थोड़ा बन ज्यादा कर गल दिल वाली मन चार दिन दी जवानी अपा मौज लेनी है। अच्छा मजे के बाद स्वादी खाप जो है ना वो लेजेंड लोकल समझ आया स्वादी खाप क्यों बोला मैं और सब नु समझ आ गया। सो गाइस ऐसा सामान वन सेकंड दा दिखा रहा हूं। बहुत ही कमाल की लोकेशन ते मैं जा रहा हूं और सारी मैं एक्सप्लोर करती है एंड की डोंट वरी बी हैप्पी। मेरी लोकेशन है देखो सी माय लोकेशन मैं कितने शूट कर रहा हूँ गाना नवा। और देखो चीज़ा कुछ डिफरेंट करने से कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। जगह वहाँ अलग लभनिया पैदा है ढूंढनी पड़ती है आपको जगह। जैसे लोकेशन आप देखिए मेरी कैसी है। ये अपना ही फार्म है अपना ही फार्म है इसी पे शूट कर रहा हूँ भाई साहब। तो जी हम पहुँच गए हैं अपनी लोकेशन पर पहुँच गए। हो खुश हो गया बंडा क्या हाल है कैसे हो ठीक हो आ जाओ। सो गाइस दिस इज फार्म जिथे पर शूट कर रहे हैं जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी हिंदी पंजाबी मिक्स होगी सो मेरे ब्लॉग देखने वालों को दोनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी हिंदी एंड पंजाबी। मेरी हिंदी बोलते बोलते मेरी पंजाबी निकल जाती है जिसको मैं रोक नहीं पाता हूँ। सो गाइस ध्यान कर। चलो जी बहुत ही फार्म चल सफाई हो रही है पूरे 3 महीने बाद सड़क चक्कर लगा है। सी देखो कितनी कमाल दी जगह कितने कमाल दा का कट रहे सफाई कराई पूरी रवा। लो जी पहुंच गए एंड यार यस। सो गाइस पहुंच गए हमारा जो अगला गाना है हम यहां पर शूट कर रहे हैं बहुत ही कमाल का ये गाना है दिखाएंगे आप। हेलो जी गुड मॉर्निंग सबको। आज है 22 जुलाई 2023 और मेरी हुई है गुड मॉर्निंग सुबह के बजे 6:20 और मैं अभी उठा हूँ और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई हमारी शूटिंग रात को। देखो शूटिंग में होता है प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे जहाँ पर हम रहने के लिए आए थे वहाँ पर टेक्निकल ग्लिच हुआ एक और लाइट उड़ गई पूरी की पूरी। तो देखो मैं कहाँ सोया हूँ मैं सोया हूँ अपनी गाड़ी में सुबह अराउंड 2:30 बजे। मैं आफ्टर नहाने के बाद मैं तैयार हो गया हूँ। ये है हमारी निया जी। हेलो। तो निया जी कर रही है मेरा मेकअप मेरा आंखें बड़ी सूजी हुई और मुझे फैजल रफी नाम की जगह जिसे गाना पद गया सन्नी कितने गया फारिस रफी समझ फारिस शफी गाना याद आ गया।
कि बॉडी ऐसी कि आगे सारी सूजी तो हम रेडी हैं, रेडी हो रहे हैं, नॉट रेडी है, रेडी हो रहे हैं। मेकअप के बाद शुरू होगा काम और मेरा जी बड़ा अच्छा लगा। और ज्यादा ओल्ड दिखाई जा रहा है, 20 साल वाले बाद वाली लुक। मैं 20 साल ज्यादा हूं, मैं 10 साल हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। उस्ताद जी आजकल तेल पी रहे हैं, कुछ से नहीं होगा। ठीक है, और ये लुक हो रही है मेरी, ऐसी लुक दो ना, ऐसी देखो ये सारे बाकी का भाई ओरिजिनल मैंने ले लिया ना। सूबेदार साहब वहाँ पर कलर नहीं मिलता, लद्दाख थोड़ी रहना, कलर नहीं मिल रहा वहाँ पर। मैं रेडी हूँ बिल्कुल। जय हिंद है सबको मेरी, और मैं आज बनाऊँ फौजी। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि शूटिंग हमारी जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे क्या सिनेरियो है, कैसी शूटिंग है। मुझे थोड़ा सा ओल्ड एज दिखाया गया, तो इसमें मेरी दाढ़ी को वाइट किया गया पूरा। वह भी थोड़ी बहुत होएगी किधरों, पर ये तो प्रॉपर बनाई गई है वाइट दाढ़ी। सो वेरी गुड है, और अपना पहला शॉट लेने जा रहे हैं परमात्मा की मेहर नाल। सुबह के हो गए 7:36 हो गया सुबह के जी, है ना जी, 7:36 लग गया होगा आई होप। सो गाइस लेट्स सी, पहला शॉट लेने परमात्मा का नाम लेके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आओ काम शुरू करी, चलो बैठो भाई जी। कर शॉट जो है मेरा, मेरे वीडियो का वो हो गया है। और सर मेरी जो शादी तेरी बजाएंगे बैंड हमने जो मूवी करी थी उसमें भी सतनाम जी मेरे साथ थे, बहुत अच्छा रोल किया, और आज भी ये मेरे दोस्त का रोल कर रहे हैं। और पहला शॉट हो गया है, और ये हमारा मिस्टर सनी झंडू एंड ही इज मिस्टर जतिन। अब मैं दोबारा इनका नाम नहीं लूंगा, आप समझ लेना कि ये चार भी मेरे साथ हैं अभी। और बाकी गाड़ियां आई हैं पीछे, तो शीशा खोल के पीछे में दिखाता हूँ। वो जो गाड़ी है उसके पीछे एक और गाड़ी है, उसके पीछे एक और गाड़ी है। तो ये हमारी प्रोडक्शन की टीम सारी जो आज इस वीडियो पे अपनी जान लगा रही है। वाह क्या रैमिंग है, ये जो गाड़ी है उसके पीछे एक और गाड़ी है, और ये है वो प्रोडक्शन की टीम जो हमारे पीछे जान लगा रही है। वाह वाह वाह, जवाब नहीं मिला, जवाब लाता है गर्मी है, लग गई मेरी लंका। हम वैसे ही इतने गोरे हैं, ऊपर से और गोरे हो जाएंगे आज। फौजी डर निकले, कोई नहीं भाई, खांदे भी नहीं करते। अरे कुछ और बथेरे सुन छोटा जी, पीछे ना करा, पीछे वाले हमें ब्लैक शॉट, बैक शॉट दे, कर दो प्लीज कैमरा। ये नहीं भाई, रोलिंग एक्शन, देखो भाजी
अचानक नजर पड़ेगी। ये पीछे एक और लोकेशन जहाँ पर हमने अभी शूट किया है और ये हमारा दूसरा सेटअप था शूटिंग का, जहाँ से हमने दूसरे सेट थे हमारे यहाँ पर जहाँ पर हमने शूट किया है। और अब चले हम नेक्स्ट लोकेशन पे। सो नाउ अनदर लोकेशन, जो अनदर सेट लोकेशन अपने आसपास चल रही सारी। और ये पूरा हमारा रेडी हो रहा, देखो मेरे पीछे सारा काम कर रहे हैं कि ये शेडो जो सनलाइट था उसको सेट करने के लिए ये लगता है ऊपर। और ये हमारे डीओपी साहब हैं मिस्टर सुमित, इतना यंग डीओपी। ओए हो, तुम्हारा नाम क्या है? मलंग अमित जी भी साथ में हमारे, और आपका नाम क्या है? संजीव। संजीव, वाह, वो भी हमारे साथ है संजीव जी। वो एक प्यारी सी लोकेशन है, पीछे सारा बैठे हैं लोग हमारे, और भी बड़ा सिस्टम है, और अंदर है वो कैमरा। तो ये है हमारा तीसरा सेटअप जहाँ पर हम गाने को शूट कर रहे हैं। और ये सारे मलंग पुरानी, ये है हमारा लवली बंसल द डायरेक्टर साहब, और ये है फनी झंडू, ओ सनी झंडू, ये रंजीत सिंह रंधावा, जिस दिन मेरा नाम सही ले लिया मैं बड़ा बन जाऊंगा, सुमेश अरोड़ा, और साथ में जतिन। जतिन तुझे कितनी बार दिखा दिया मैंने, कितनी फुटेज दिखाई है। ये मैं बोल रहा ना कि व्लॉग बनाना है, ये भैया व्लॉग शॉप बनाओ ना, कुछ करो करो, तो उसके चक्कर में मुझे इसके चक्कर में व्लॉग बन रहा है, बार बार दिखा रहा हूँ उसको। तो ये है लाइटिंग जो लग रही है, तो बहुत अच्छी सी लोकेशन है, जैसे आप देखोगे यहाँ भी बहुत अच्छे से लोकेशन। ये एक फार्म हाउस है और थोड़ा ओल्डिश फार्म हाउस टाइप है, तो इसमें हम शूट कर रहे हैं। बढ़ा रहा है, ये बड़ा थकने वाला काम है, बड़ा बोरिंग काम है। वैसे बता दूं, मैंने जितने भी लोग को लगता है कि बड़ी अच्छी लाइफ है, बड़ा मजा आ रहा होगा इनको, तो बता दूं कि ये बड़े बोरिंग काम है शूटिंग स्पेशली, क्योंकि अब मैं सुबह से टेम्परेचर यहाँ पर होगा, अभी तो थोड़ी हवा चल रही है, गर्मी काफ़ी है, इस गर्मी में भी मैं शूट कर रहा हूँ। और तन तन हुई भाई मेरी, इतनी मोटी मैंने टी शर्ट शर्ट पवाती इन्होंने, और बड़ी मोटी पैंट भी पवाती है उसकी, और उस चक्कर से मैं पसीनो पसीनी होया पाया, मेरा बस चले तो मैं शूटिंग वाला काम बंद कर दूँ, लेकिन चल रहा है मेरा बस, मैं चाहता नहीं मेरा बस चले, मैं चाहता कि शूटिंग आंदी रहन, मौजा लगे रहन। सो गाइस नाउ अनदर सेट, और शुरू करते हैं अनदर सेट की शूटिंग। हमारा जो चाइल्ड आर्टिस्ट है उसका नाम है राइशा, और सब उसको बोल रहे हैं कि स्माइल दो स्माइल दो स्माइल दो, उसको स्माइल देना पड़ रहा है, पक्के की बात बढ़ी है नहीं जा गया। सो वो हमारे चाइल्ड आर्टिस्ट वो फ्रेम ले। और ये हमारा डॉक्टर साहब ज़्यादा परेशान है वो नहीं बच्चा है, बच्चे को थोड़ा काम करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन शी इज वेरी एक्टिव। इसी बीच हमारे पास आ गई एक गार्लिक ब्रेड, और मैं कहा बैठे गाड़ी में जो मैं खा रहा हूँ जल्दी, और सामने शूटिंग। माँ कसम हम ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ किसी को पता लगे कि कहाँ पर जाना है, लोगों को नेविगेटर भी यहाँ फेल हो गया, वहाँ जोमेटो आ गया है, कमाल कर दिया जोमेटो ने। जोमेटो की जोमेटो है जोमेटो जोमेटो है कि जोमेटो की जोमेटो जो भी है, कमाल कर दिया, आ गया। लेट्स हैव धंधन करा, गार्लिक ब्रेड खाइए, धंधन निरंकार कराता ने बहुत लैटे।
ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਤੂੰ ਚਾਰ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੀਟੇਕ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਮੈਂ ਦਰਦ ਦੇਣਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਊਂ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਦਿਲ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਸੇ ਫਿਰ ਸੇ ਕੁਛ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਟ ਤੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਤਾ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਖ ਕੋਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋ ਮੇਰੀ ਅਲਰਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 12:30 ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਰ ਇਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਐਫ ਸ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਸੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਬਈ तो अभी मेरी ये रोने का एक सीन है उसके लिए मैंने आई ड्रॉप डालना अपनी आँखों में अभी नहीं डाला बेटा खोल के बदले आई ड्रॉप डालूंगा तो ऑटोमेटिक मेरी आँखों में से अथरू निकल आएंगे आप बहुत सुंदर लग रहे हो नहीं ये नहीं बात थी तो आपने कैमरा ऑन होते बयान बदल दिया अपना आपने बोला मैं बाद में ड्रेस में फोटो कब डालूंगी और रेड बुल कैसी थी जंगल में मंगलवार हो रहा है वाह मंगल हो रहा है मंगल हो रहा है इनका मंगल हो रहा है जंगल में मंगल हो रहा है लाइट कभी जा रही कभी लाइट आ रही है लेकिन काम चल जा रहा है बहुत गर्मी है लेकिन डेडिकेटेड आर्टिस्ट सारे सारे डेडिकेटेड सबसे ज्यादा हूं मैं इतने मोटे कपड़े में मेरा और सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरा और क्रेटा का वो पीछे खड़ी द्रौपदी दे द्रौपदी चलो ग्रामीण से बात गोंदे पूरा अभी देर ले आसी निकल गई बोली सारी बैग सबको मुड़ियो लेके अब दूसरा डालो अभी भी काम चल रहा है और मेरा एक फर्स्ट राउंड जो है वो स्टोरी का वो ख़त्म हो गया है और अब मैं आ गया हूँ अपने रूम में थोड़ा अब सेकेंड राउंड है चेंज अब कपड़ों का चेंज है सब कुछ ये अगली डायरेक्शन पे हैं हम लोग ये मुझसे छाते टपा रहा है तुझे कितने आगे बिच वो ना पीछे मुंडा खड़ा ना वो मेरे को छत्ता टपा रहा है बड़ी सारियाँ पसीने पसीनो पसीन हो गया मैं टेक में दे दूंगा पहले पानी से पीला सबसे बढ़िया पानी है जल ये मेरा स्पॉन्सर है मैं आपको बता दूं जल ने ये पूरा जो देश है पूरा वर्ल्ड स्पॉन्सर किया जल ने ये कंपनी ने नहीं जल ने जल मतलब पानी ने बोलो बोलो उसका नाम भी बोलो जिन्हें पहला है उसका नाम भी बोलो लो जी आई एम वेरी मच टायर्ड और ये हमारा चौथा सेट जहाँ पर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तुम भी मेरी अखा के नहीं बंद हो रही हो कि लाइट अखा दे विच मेरी बहुत प्यारी है और धूप जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है मेरी आँखों में मरे तो निच मारती है सो ये चौथा पांचवा हमारा सेट है जो मैंने एक सेट में मिस कर गया
क्योंकि उसमें बहुत टायर्ड था, अभी भी हूँ। गल्ला मेरिया हो गया लाल, गल्ला गोरिया दे विच पै गया टोए। गाना गाना चला लो, ठीक है गाना चला लो कोई। चलो रेडी हटा, रोल कैमरा या रोलिंग एक्शन। पाजी नॉर्मल बैठो, नॉर्मल। एक और टेक देने के लिए मैं जा रहा हूँ, और सिर्फ इसका एक सलूट अच्छा नहीं आया। बस कैसा वाला सलूट देना बताइए जरा, इसका थोड़ा ऐसे वाला देना, ऐसे कुछ देने है उस चक्कर में दोबारा शूट हमें टेक देना पड़ रहा है। वॉक क्यों थे, स्पेशल डिमांड आया है। नन्नी पे लग दी है। चलो फाइनली हमारा टेक खत्म हो गया, और इन्नी जी गल सी, ये हमने एक नई चीज बनाई। किन्नी गल सी, इन्नी जी गल सी, कुछ होया तेनू पता भी लगा। सवा चार हो गए, चार बज के 20-25 मिनट हो गए, और हुण आपां होर शॉट ने अलग तो लैने तैयार हो रहे फिर चेंज है, वन मोर चेंज। लो जी आज मैं और सुमेश बाइक की सवारी, और अब चला रहा हूँ मैं, पहले मैंने चलाई बुलेट, अब चला रहा हूँ मैं स्प्लेंडर। दूर से खास में तो ये देखो भाई, वो तेरी ये देखो, मैं और समय है फन हो रहा भाई, शूटिंग के साथ साथ फन भी हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। देखो हमारा आज का जो वेन्यू है, देखो कितना लंबा सा थोड़ा, थोड़ी बाइक चला लूँ फिर मैं आता हूँ ब्लॉग। सो दिस इज फिफ्थ लोकेशन, और ये फिफ्थ लोकेशन में हमारे कुछ ब्यूटी शॉट है, और अपने फार्म से थोड़ा सा दम दूर पे है, और बड़ा मज़ा आ रहा है। थक मैं बहुत गया हूँ, क्योंकि सुबह 6:30 से मैं ये काम कर रहा हूँ, और अब बज गए हैं शाम के 5:30, ऑलमोस्ट मुझे 13 घंटे हो गए काम करते हुए। 13 घंटे हो गए नहीं, 11-12 घंटे हो गए, लेकिन बहुत थका हुआ, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है। दिमाग खराब हो गया था क्या बहन हाले में। ये है जी हमारी अब 7वीं लोकेशन जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं, बहुत ही कमाल का पीछे व्यू आ रहा है देखो, और ये भी मस्त आ रहा है ना, ये भी कितनी कमाल की लग रही है आज। आज मतलब रोज नहीं, रोज लगते होगी, लेकिन पीछे पीछे का बैकअप बड़ा कमाल है, इसलिए तो अच्छे लग रहा है एकदम। तो ये डॉक्टर साहब ने जगह खोजी हमारी नई जगह, और हम पहुंच गए प्रोड्यूसर साहब सिर खुजाते हुए कि बड़ा पैसा लगाता, बड़ा पैसा ये रुक के नहीं रहे। सो गाइस दिस इज ऑलमोस्ट आखिरी शॉट है हमारा, इसके बाद मेरा ख्याल है कि आज का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले ये निपटा। रेडी रोल कैमरा, रोलिंग एक्शन। लो जी इट्स अ रैप, और स्पेशल थैंक्स है इन सबका, इन्होंने अपना ये बहुत शानदार सा वेन्यू और बहुत शानदार सा ट्रैक्टर मुझे दिया चलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, थैंक यू। क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी थैंक यू आपका, थैंक यू। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? जब बोले सोनियाल सा श्री अकाल। सो गाइस आज का जो मेरा गाना है वो खत्म हो गया, और बहुत ही अच्छा ये शूट गया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, हमारे वीडियो के बारे में? गाइस हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, इतनी धूप में इतनी सारी मेहनत की है, तो प्लीज ये गाना जरूर देखना, और ये गाना सीरियसली बहुत सुंदर गाना है, बहुत मजा आएगा वीडियो देखने में भी और सुनने में भी, और तो जरूर देखना। और मजे की बात है पूरा से गाना सुना कब है, जब हमने आधा वीडियो निपटा दिया फिर इसको मैंने सुनाया गाना कि इस गाने की हम शूटिंग कर रहे हैं, तो शी इज वेरी सरप्राइज कि ऐसे गाना भी शूट होता, तो हमने एक स्टाइल में अलग से तरीके में ये गाना शूट किया है। और जो लोग मतलब लाइक पुराने टाइम के सॉन्ग्स पसंद है ना, उनको तो बहुत पसंद आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, पुराने को भी आएगा और नए को भी आएगा जो नए लोग हैं, और ये हमारे साथ स्वयं
लवली बंसाल वही वही मार दी सो एक ही सी मारी सो टाइम मत लिया एक मारी सो एक हुंदा सी प्यो सो खासो प्यो दी सो खासो अपने प्यो दी सो सो गाइस बहुत मजा आया किस्म से कसम से कह रही हूँ और बहुत ही कमाल कमाल की जगह पर हम चढ़े हैं। इसके ऊपर भी चढ़ा हूँ मैं, वो वीडियो मैंने डालूंगा नहीं कहीं क्योंकि मैं चढ़ा ही नहीं था। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और ये मेरा जो गाना है इसका नाम है फोटो, जो मैंने शुरू में कहीं नहीं बोला, इस गाने का नाम फोटो है और इसको लवली बंसल जी ने शूट किया है, डायरेक्ट किया है, और डीओपी हमारे सुमित साहब हैं। सुमित कहाँ गया? ये रहा सुमित तेरा, ये हमारे डीओपी भाई है, इन्होंने इसको डीओपी है हमारे इस गाने के, और मैं हूँ इस गाने का सिंगर। जॉनी विक ने इसका म्यूज़िक किया है, और जीत टिवाणा जो कि पंजाब से है उन्होंने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं, और ये 2 साल से गाना मेरे पास पड़ा हुआ था, और ये गाना मुझे पर्सनल तौर पे मैंने गिफ्ट लिया है मेरे भाई दीप मणि से, ये गाना उसके पास था, और उसने जब मुझे ये गाना सुनाया तो मैंने उसको बोला कि ये गाना मुझे दे दे, क्योंकि ये गाना मुझे एक बार में समझ आया और एक बार में पसंद आया। सो गाइस मुझे इस गाने से बहुत प्यार है, 2 साल से मैं वेट कर रहा था इस गाने की शूट की, तो फाइनली मैंने शूट किया है, और बहुत जल्दी ये गाना रिलीज होगा आप सब के लिए। तब तक टिल देन लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, जिंदे रहो, जवानियां मारो। सो टिल देन बाय बाय, सी यू, शबा खैर, जवानियां मारो एंड लव यू ऑल। डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी, ओ असी जम दे टीडी अप बॉर्न सुवेगी, डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी।